नमस्कार, मैं हिमांशु, फोटो सपनाओं में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि ब्लर टूल क्या होता है, उसकी खूबियाँ क्या होती हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड सी। सबसे पहले हम फोटोशॉप खोलेंगे। फोटोशॉप खोलने के बाद से कोई पिक ले लेंगे, जैसा कि हमने ओपन करके कोई पिक ले लिया। सपोज मैंने ये पिक ले लिया। इस पिक के खुलते ही हम ब्लर टूल में कैसे जाएंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले फिल्टर में जाना होगा। फिल्टर में जाने के बाद लिक्विफाई में जाने के बाद हम ब्रश का जो है सेटिंग कर लेंगे। सपोज मान के चलिए ब्रश का साइज हमने यहाँ पे 100 ले लिया। सपोज मान के चलिए 103 ले लिया और ब्रश का प्रेशर हमने 100 ले लिया। 100 या 97 उसी के आसपास में। उसके बाद से हमें करना क्या है कि ब्लर टूल। ब्लर टूल में हम ये देखेंगे कि किसी भी चीज को बड़ा कैसे कर सकते हैं। सो हमारे पास ब्लर टूल ये है। आप इस चीज को ध्यान में रख लें कि ब्लर टूल ये होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से हमें जिस पार्ट को भी बड़ा करना है उसे हम बड़ा कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए हमें ये बड़ा करना है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे क्लिक कीजिएगा बड़ा हो जाएगा साइज, जैसे क्लिक कीजिएगा बड़ा हो जाएगा साइज, जैसे क्लिक कीजिएगा बड़ा हो जाएगा साइज, जैसे क्लिक कीजिएगा बड़ा हो जाएगा साइज। सो आप ऐसे ही करके एक शानदार और अच्छा इमेज बना सकते हैं। सो अब इसे हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद दोनों के बीच में चेंजिंग देख सकते हैं कि वो चेंजिंग क्या हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेव हो जाए। सेव होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सो हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में ये आया। अब हम इसे सेव कर लेंगे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे।